नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद है होडल, श्री त्यागी मॉडर्न पब्लिक स्कूल होडल में। आज यहां पर रियलिटी चेक के दौरान हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कोरोना काल के दौरान किस तरीके की कौन कौन सी क्लासेज लगाई गई हैं। मैं चाहूंगा आप ये देखिए और हमारे साथ आप लाइव जुड़े रहिए। सारा कार्यक्रम हम आपको लाइव दिखाएंगे, किन किन बच्चों को किस कैसे पढ़ाया जा रहा है और कौन कौन सी क्लासेज लगाई जा रही हैं, सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। लाइव आपको लेकर के चल रहे हैं आप, और लाइव आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। ये है श्री त्यागी मॉडर्न पब्लिक स्कूल होडल, डबचेक के आसपास है स्कूल। आप जुड़े रहें आप हमारे साथ, और लाइव दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिससे कि कल को कोई ये ना कहे कि स्कूल में रिकॉर्डेड कुछ दिखाया, लाइव दिखाया। लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे, सीधे रियलिटी चेक ही कार्यक्रम है हमारा। रियलिटी चेक के दौरान आपको बच्चों से हम रूबरू कराएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। जी, अभी क्लास में हम लेकर के चल रहे हैं। कौन सी क्लास है, क्लास कौन सी बच्चों, कौन सी क्लास है बच्चों? 12th। बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा, मास्क नीचे करिए, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम आपका? वर्षा कुमार। बेटा स्कूल में पढ़ना ठीक है घर पे? स्कूल में। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल हमारा कांटेक्ट हो पाता है टीचर से। और कौन बच्चा बताएगा, आप बताओगे? बताइए, खड़े हो जाइए। बेटा स्कूल आप आ रहे हो, यहाँ पढ़ना ठीक है घर से पढ़ना ठीक है? घर से पढ़ना ठीक नहीं होता है क्योंकि हम टीचर से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता कि कैसे किसका आंसर किस तरीके से करना है। इस वजह से हमें फेस टू फेस मैम से बात करना सही लगता है, जिससे हम डायरेक्ट आंसर कर पाएं टीचर्स को। वेरी गुड। बेटा आप डेली इसी तरीके से बैठते हो, आज हमारी वजह से आप लोगों को बिठाया गया है? नहीं, डेली हम इसी तरीके से बैठते हैं। और कोई बच्चा बताएगा स्कूल में क्यों पढ़ना ठीक है, घर से ठीक है पढ़ना, कोई बताएगा? नहीं। अच्छा, आप लोग डेली मास्क लगा के बैठते हो सभी बच्चे ऐसे ही? यस सर। ऐसा नहीं स्कूल वालों ने हमारी वजह से कर दिया हो? नो सर, कंपलसरी है। पक्का ना? चलिए ठीक है, चलिए। और कोई बच्चा है, आप बताओगे? कौन बताइए बेटा? जी बेटा बताइए अपना नाम। प्रतिभा सर। क्लास 12th। स्कूल? त्यागी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। बेटा स्कूल में पढ़ना ठीक रहता है क्लास में? दोनों जरूरी है। दोनों ही जरूरी है? कैसे? स्कूल में पढ़ने के अलावा घर पे पढ़ना भी ज़रूरी है, पर स्कूल में टीचरों से मतलब गाइडेंस उनकी होनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छी ही बात है। चलिए अभी हम दूसरी क्लास में लेकर के चलते हैं। जी कोई नहीं, ठीक है, बैठ रहे मैडम। ठीक मैडम, आप एक सेकंड आप आ जाइए यहाँ करो, मास्क हटा लीजिए आप। क्या नाम है आपका? रचना चौहान। मैडम आप ये बताएं कि एक तो हम जो रियलिटी चेक कार्यक्रम जो कर रहे हैं, हम स्कूल में आपके पास आए हैं, दर्शकों को बताएं, स्कूल संचालकों को बताएं कि आपकी परमिशन से हम आए हैं या ऐसे ही आए हैं? सर आप ऐसे रैंडमली ही आए हैं, हमने ऐसी कोई आपको परमिशन नहीं दी है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द SOP रूल्स एंड गाइडलाइंस। नहीं, जब हमने स्कूल के अंदर एंट्रेंस किया तो आपसे आप लोगों से परमिशन ली है ना स्कूल ने? नो सर, यू हैव टेकन द परमिशन। हमने परमिशन नहीं ली आपकी। सर यू हैव इन्फॉर्म मी somebody is coming and ask me, sir they are ma'am they are coming and they are asking to visit our schools, I have given the permission to you. ठीक है। अच्छा मैडम ये बताइए क्या समस्या आप लोगों को आ रही है स्कूल में पढ़ाने में बच्चों? सर मैक्सिमम हमें ये है कि स्ट्रेंथ जो हमारी नॉर्मल रहती है वो कम है पहले के कंपैरेटिव, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर कमिंग इज लेस एज कम्पेयर टू अर्लियर, ये प्रॉब्लम है मेन हमारी। दूसरा पेरेंट्स में है जो अवेयरनेस है कोरोना की रिगार्डिंग वो कम है, और दूसरी ये है कि पेरेंट्स डोंट वांट टू पे द फीस टू अस। शिक्षा विभाग से आप लोगों को क्या रियायत चाहिए सरकार से? मतलब सर सरकार से हमें ये रियायत चाहिए कि हमें फेवर करें, स्पेशली इन केस ऑफ अमाउंट्स पेंडिंग हमारे काफ़ी हैं, फीस ड्यूज पड़ी हैं, पेरेंट्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है पे करने के लिए, उसमें हमें चाहिए। और दूसरा हमें ये है कि हमारा नर्सरी से स्टार्ट करें स्कूल के लिए, स्पेशली ओपन किया जाए, फुल स्कूल को ओपन किया जाए, ताकि जो टीचर्स ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए भी ईजी हो, शेड्यूल्ड रहे, हर चीज़ प्लान्ड रहे, वो बेटर है बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। मैडम मकसद सिर्फ हमारा ये था आपसे पूछने का कि बिना परमिशन के हम लोग आए हैं नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल संचालक ये आरोप लगा देते हैं मीडिया पर कि विदाउट परमिशन जबरदस्ती स्कूल के अंदर आ गए, हमारे बच्चों को परेशान किया, इसलिए हम आप लोगों से ये सवाल ऑन कैमरा पूछते हैं।
जिससे कि संचालक भी, स्कूल संचालक भी देखें, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी देखें और अन्य जो दर्शक हैं वो भी देखें कि विदाउट परमिशन किसी भी स्कूल में हम नहीं जाते हैं कभी भी। बाकी मैडम आपको दोबारा से बताएंगी कि आपको इन्फॉर्म तो किया गया है पहले, yes, आपके ऑफिस आए हैं? यस सर, आप मेरे ऑफिस में आपने जैसे कि मैसेज आता है प्रॉपर चैनल से, वो मैसेज आया है, आई हैव गिवन द परमिशन टू यू, देन ओनली यू आर एबल टू कम। क्लास में चले आपके साथ? यस सर। देखें कौन, अच्छा कौन कौन, एक सेकंड, और कौन कौन सी क्लासेस आप लगा रहे हैं? सर 9 to 12 हमने क्लासेस रन की हुई है, दे आर कमिंग। और बच्चों को किस तरीके से आप लोग बिठाते हैं? सर वन स्टूडेंट विल सिट ऑन अ सिंगल सीट अकॉर्डिंग टू एसओपी गाइडलाइंस वी आर फॉलोइंग। ठीक है, कौन सी क्लास में चले मैम? सर नेक्स्ट क्लास यू विल विजिट एनी वन क्लास जी 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 फ्रॉम आउटसाइड वी आर फ्री बिकॉज़ वी आर फॉलोइंग द एसओपी रूल्स एंड रेगुलेशंस हियर। ऊपर है क्या? अच्छा इसी में। चलिए आप जुड़े रहें, लाइव कार्यक्रम है, मैडम से भी हमने बात की है, प्रिंसिपल मैम है श्री त्यागी मॉडर्न पब्लिक स्कूल जी। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए बैठ जाइए। कौन सी क्लास है बच्चों? चलिए बेटा आप खड़े हो जाओ। क्या नाम आपका? कंचन सर। बेटा स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है? स्कूल में ही पढ़ना ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचर्स के साथ जो स्टूडेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्कूल में ज़्यादा अच्छा होता है, ऑनलाइन में इतना वो नहीं हो पाता जितना स्कूल में हो पाता है। और कोई बच्चा बताएगा क्यों और अच्छा है? इनके अलावा कोई और जवाब देगा अलग से कोई? बैठ जाए बेटा आप लोग, बैठ जाइए। कोई और बताएगा? बच्चा बताओ बेटा, आता हूँ मैं भी। आप बेटा मास्क नहीं चले। नाम क्या आपका? सोनम चौहान। क्लास? 10C। बेटा बताइए। क्योंकि हम मतलब अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं टीचर से डायरेक्ट वे में, मतलब कोई भी डाउट रहता है वो क्लियरली हो पाता है और जो कॉम्बिनेशन है टीचर के साथ वो भी बहुत अच्छा बैठता है, हमारे सारे डाउट साथ साथ क्लियर हो जाते हैं। चलिए बच्चे से पूछ लेते हैं जी। मैम एक सेकंड जी। बेटा मास्क नीचे कर लीजिए, अपना नाम बताएं, क्लास बताएं, स्कूल का नाम बताएं। ज्योति सौरव, 10C स्कूल, श्री त्यागी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। जी बेटा, स्कूल में इसलिए स्टडी अच्छी है क्योंकि घर पे जो हम करते हैं टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट, टाइम टू टाइम जो टेस्ट होते हैं, घर से चीटिंग करते हैं बच्चे और टीचर्स भी इतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं कि, और टाइम भी नहीं होता है ऑनलाइन क्लास, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनों के पास ऑनलाइन स्टडी पॉसिबल नहीं हो पाती है। बहुत अच्छे से इस लड़की ने जवाब भी दिया है, इन्होंने बताया कि घर पर रह करके फ़ोन के द्वारा अगर एग्ज़ाम भी है या क्लासेज ली जा रही है तो उस पर निगरानी नहीं की जा सकती किसी तरीके से। ज़्यादातर स्कूल संचालकों ने बताया कि अगर ऑनलाइन क्लासेज दी जा रही है तो बच्चा फ़ोन ऑन कर देगा लेकिन उस पर निगरानी नहीं कर सकती कि बच्चा ऑन फ़ोन पर बैठा हुआ है या नहीं है। दूसरा, किस तरीके से रखें कि चार बच्चों को एक तरीके, ज़्यादातर एक चीज़ और सामने आएगी, नेटवर्क इशू। दूसरा, एक घर में एक ही फ़ोन मैक्सिमम देखा जाता है और अगर बच्चे दो हों तो किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेज लें, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरा, स्कूल संचालक से हम और ज़्यादा बात करेंगे आगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, प्रिंसिपल मैम आपके सामने खड़ी हैं, आप लोग सभी इस तरीके से रोज़ बैठते हो या आज ही बिठाया गया आपको? रोज़ ऐसे ही बैठते हो? ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रिंसिपल मैम से डर के बोल रहे हो? बता दीजिए आप लोग, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, रियलिटी चेक कार्यक्रम है। चलिए ठीक है, बच्चों ने बताया है कि रोजाना इसी तरीके से बैठते हैं और एक बेंच पर एक बच्चा बैठता है। जी मैडम आप आ जाइए। अंत में कुछ आप अपील करना चाहेंगे? सर मैं यही अपील करना चाहती हूँ, मैं किस तरीके से बच्चे तैयारी करें? बोर्ड एग्जामिनेशन इज नियर, जैसा आपको पता है पहले ही बहुत लॉस हो चुका है बच्चों का, डाउट क्लासेस इज गोइंग ऑन, हमने 1 आवर क्लासेस रखी हुई है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स, डे बाय डे अल्टरनेटिव डेज पे हम कर रहे हैं उसको प्लान, और बच्चे कर भी रहे हैं, वी आर गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट साइड ऑल्सो। आपने देखा भी है बच्चों ने आंसर भी अच्छे से किया है कि उन्हें बेनिफिट स्कूल में आके है ना कि घर बैठ के। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन को वो परचेज नहीं कर सकते क्योंकि 3 or 4 चाइल्ड्स दे आर हैविंग, दैट्स वाई ये भी एक प्रॉब्लम है। और हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम है सर, कि जो शेड्यूल करना होता है उसकी टाइमिंग्स चेंज होती है, पेरेंट्स जो जॉब पे जाते हैं वो फ़ोन साथ लेके जाते हैं। अच्छा आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्लासेस कौन सी क्लासेस लगनी चाहिए स्कूल में? सर हम ये चाहते हैं 1st class से 12th class तक स्कूल पूरा खुले, रीओपन हो और दोबारा से सारा सिस्टम वही ऑर्गेनाइज तरीके से हो जैसा कि पहले था। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि रचना चौहान, yes, sir. रचना चौहान है प्रिंसिपल श्री त्यागी मॉडर्न पब्लिक स्कूल होडल, उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें आप लोगों को बताई कि एक तो उन्होंने मांग की सरकार से फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक स्कूल नियमित तौर पर खोल देने चाहिए जैसे पहले भी खोले जाते थे, क्योंकि बच्चा घर पर रहकर भी सुरक्षित नहीं है और स्कूल में भी नहीं, लेकिन अगर स्कूल में रहेगा तो अनुशासन में बच्चा रहेगा और पढ़ेगा भी ज़्यादा, शारीरिक एवं मानसिक तौर पर विकास ज़्यादा इनका हो सकता है। मैं चाहूँगा इनका बाकी का आप स्कूल का अन्य क्लास या स्कूल का कार्यक्रम दिखाएँ, बिल्डिंग्स वगैरह दिखाएं, सारी चीज़ें